सो नाउ वी नो हाउ हीट इंजन वर्क, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे करता है। बेसिकली एक ऐसा रिजर्वायर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वी यूज दिस हीट, इस हीट को यहाँ से हम लेके वी मेक श्योर कि इसमें से हम वर्क बनाएं, बट पूरा वर्क बन नहीं पाता तो थोड़ा इसमें से हीट जो हम कहीं पे डंप कर देते हैं, राइट। सो हॉट रिजर्वायर से हम हीट लेते हैं, वी कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ इट इन टू वर्क, रेस्ट ऑफ इट इज डम्प्ड इन कोल्ड रिजर्वायर, दिस इज हाउ हीट इंजन वर्क। अब हम देखेंगे बेसिकली हीट इंजन का साइकिल क्या होता है, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल, एंड टू अंडरस्टैंड दिस वी विल यूज पीवी कर्व, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट, लेट्स नेम दिस पॉइंट ए, ओके। सो दिस कंप्लीट साइकिल विल टेक प्लेस इन फोर डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट विल बी दैट वी विल इंक्रीज प्रेशर without changing volume. In second step, हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पे volume बढ़ रहा है हमारा। Third step में pressure कम हो रहा है, और fourth step में हम वापस वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से हमने start किया। So it looks simple, but इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं indirectly जो हमको अभी फिलहाल दिख नहीं रही। So we will go through all of them one by one. Firstly, when we go from A to B, my first step, इस step में क्या होता है, in this step my temperature will increase. So how will the temperature increase? Obviously we will absorb some heat, right? So in this step heat absorption will take place from A to B. Let's name this C and let's name this B. From B to C, work will be done. Work done by gas. पहले मैं सारे एक स्टेप लिख देता हूं, then we will go through them one by one. From C to D, in this step, यहां पे होगा heat rejection. Right? And from D to E, जहां पे वापस हमारे initial state में आ जाएंगे, इसके बाद हम बोल सकते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस है। फ्रॉम डी टू ए अगेन, इन दिस प्रोसेस अगेन वर्क विल बी डन, बट दिस टाइम ऑन द गैस। यहां पे वर्क डन वॉज बाय द गैस, यहां पे वर्क डन वॉज ऑन द गैस, एंड ये हम क्लियरली देख भी सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस फ्रॉम बी टू सी वी कैन सी दैट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। मतलब मेरा गैस क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, पिस्टन को हम बाहर पुश करेंगे। इन दिस केस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब पिस्टन नीचे की ओर आएगा। तो अंडरस्टैंड दिस इवन बेटर, लेट्स टेक अ सिलेंडर विच हैज अ पिस्टन, ऑब्वियसली इट विल बी मासलेस, फ्रिक्शनलेस, राइट, एंड इट विल कंटेन अ गैस। सो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि ये साइकिल के बेसिस पर हम देखें कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेंगी। जो चेंजेस हो रहे हो यहाँ पे हो रहे हैं, राइट, एंड बेस्ड ऑन दिस चेंजेस हमने ये पी वी कवर बनाया हुआ है। सो इस पिस्टन और ये पूरे हमारे सिस्टम के हेल्प से, पिस्टन और ये मेरा सिलेंडर की हेल्प से, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये चारों पाथ क्या है और ये चारों पाथ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो पहले मैं चारों पाथ लिख देता हूँ। सो इन माई फर्स्ट स्टेप फ्रॉम ए टू बी, स्टेप वन, ए से बी क्या होगा, ए से बी होगा मेरा हीट एब्जॉर्प्शन, स्टेप टू फ्रॉम बी, बी टू सी, बी टू सी क्या होगा, बी टू सी वर्क डन बाय गैस, इन चारों पे एक एक करके आएंगे हम। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री इज फ्रॉम सी टू डी, इन दिस केस हीट विल बी रिजेक्टेड, यहां पे जो हीट एब्जॉर्ब कर रही वही हीट यहां पे हम यहां पे रिजेक्ट कर देंगे, हीट रिजेक्शन। एंड द लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप जिसके बाद मेरा साइकिल कंप्लीट होगा, स्टेप फोर, इन दिस स्टेप फोर अगेन वर्क विल बी डन, दिस इज फ्रॉम डी टू ए, बट दिस वर्क डन विल बी ऑन द गैस। On the gas.
सो ये मेरे चार स्टेप्स हो गए। अब ये चारों स्टेप को ये डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। सो लेट्स गो थ्रू ऑल द स्टेप्स वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप वन। व्हाट वी विल सी इन स्टेप वन? स्टेप वन में हमारे पास ये जो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर विल कंसिस्ट ऑफ पिस्टन, अंदर भरा होगा गैस, राइट? सो स्टेप वन में क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक एट पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में देखते हैं और चेक करते हो क्या रहा है। सो एज यू कैन क्लियरली सी दैट प्रेशर इज इंक्रीजिंग, राइट? बिकॉज आप देखो प्रेशर ए से बी जा रहा है, बट आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। सो वॉट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? फर्स्ट, प्रेशर, लेट मी रिप्रेजेंट प्रेशर विद पी, प्रेशर विल इंक्रीज, राइट? ऑल्सो हमने यहाँ पे लिखा है क्लियरली हीट एब्जॉर्प्शन। इस केस में क्या होगा, अंदर यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी तरीका हमारा हीट देने का। अगर हम नीचे से डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, जैसे अगर ये सही में इंजन, तो इसके अंदर स्पार्क प्लग रहेगा, वो स्पार्क प्लग आपका इग्नाइट करेगा, आपका पूरा फ्यूल बन हो जाएगा। जो भी है, दिस सिस्टम सिस्टम विल रिसीव सम हीट, सो ऑब्वियसली योर टेम्परेचर विल इंक्रीज, राइट? अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो आपका इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, राइट? प्रेशर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, और कुछ इंक्रीज हो रहा है? डज द वॉल्यूम चेंज? नहीं। देखो वेन क्लियरली सी दैट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट इन द प्रोसेस ए बी। सो माई फर्स्ट स्टेप विच रिप्रेजेंट्स ए टू बी, राइट? फ्रॉम ए टू बी वॉल्यूम विल नॉट चेंज, विच मीन्स दिस विल बी अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन भी तो नहीं होगा, वर्क डन विल बी जीरो। एंड इफ द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वी कैन ऑल्सो से दैट दिस प्रोसेस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, सिंस इट टेक्स प्लेस इन अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो ए से भी मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, बट क्या होगा, मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, मेरा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है? तो इसमें एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या करेंगे, मेरे सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे, इस अंदर जो गैस है इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और अपने आप इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। सो एक बार हम यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, इसके बाद हमारा एक्चुअल वर्क डन स्टार्ट होता है। जो हम यहाँ पे हीट के बेसिस पे जो वर्क एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो पहले हीट तो देना पड़ेगा सिस्टम को। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है हीट से वर्क क्रिएट करना। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने किया हीट एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट स्टेप इज हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ए टू बी। सेकेंड स्टेप, इस हीट से हमें वर्क को कन्वर्ट करना है, इस हीट को हमें वर्क में कन्वर्ट करना है। सो ये कैसे करेंगे? इन सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसको हीट देने के वजह से ये करेगा एक्सपांड, अंदर का जो गैस है, दिस गैस विल एक्सपांड, और एक्सपांड होने के वजह से क्या होगा कि इसको अब ज्यादा वॉल्यूम लगेगा, मतलब ज्यादा जगह लगेगा, एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो मेरा ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन विल मूव इन अप डायरेक्शन। ये एक्सपांशन के वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ फोर्स होगा। सो इससे क्या चीजें फर्क पड़ेगी, देखो पहली बात तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, राइट? कैन वी सी हियर इन टेम्परेचर चेंज? वैसे पीवी ग्राफ है, इसमें टेम्परेचर चेंज दिखेगा भी नहीं। ये मैंने लिखा है इसलिए आपको समझ आया, यहाँ पे टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस केस में हीट एब्जॉर्प्शन या रिजेक्शन नहीं होगा, इस केस में सिर्फ होगा वॉल्यूम एक्सपांशन। प्रेशर भी चेंज होगा डेफिनेटली, बट यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन होगा जिसमें हमें इंटरेस्ट है। बिकॉज वंस द वॉल्यूम चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कैन क्लियरली सी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बी से लेके सी तक। यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, देखो वॉल्यूम इतना मेरा बढ़ गया, राइट? सो फर्स्ट थिंग विच वी विल राइट इज वॉल्यूम विल इंक्रीज, वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये पिस्टन को हम ऊपर पुश कर रहे हैं ना, मतलब क्या हो रहा है, कुछ तो फोर्स की वजह से पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे हुआ है वर्क। एंड फॉर दिस केस वर्क विल बी पॉजिटिव बिकॉज सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, राइट? तो ये गैस वर्क डन करेगा सराउंडिंग के ऊपर, इस केस में हम इसको लेंगे पॉजिटिव। सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वर्क इज बीइंग डन, और इंटरनल एनर्जी वॉन्ट चेंज, टेम्परेचर वॉन्ट चेंज, प्रेशर विल चेंज, ठीक है? दिस इज माई सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के बाद मेरा पिस्टन ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ठीक है? और हमको जो डिजायर्ड वर्क था हमको यहाँ पे मिल चुका है, वर्क डन बाय द गैस। तो यहाँ से यहाँ पे हम आ चुके हैं पॉइंट सी तक। अब एक बार हम पॉइंट सी तक आ गए, तो देखो टेक्निकली हमारा जो मोटिव था वो तो कम्प्लीट हो गया, वर्क हमने हमको मिल गया, हीट से हमने हीट को हमने वर्क में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। बट इसके बाद ये चीज़ वापस भी तो करनी है ना, रेडिंग मी, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ये बार 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 होगा। आपने देखा रहेगा ना, इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, कंटिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट करते रहता है। इंजन के अंदर जैसे ही फ्यूल जाएगा, फ्यूल स्पार्क प्लग के हेल्प से इग्नाइट होगा, वो एनर्जी पूरी पुश करेगी पूरे पिस्टन को, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस। सो एक बार हम यहाँ पे पहुंच गए, व्हाट वी विल डू, इसको हम वापस रिपीट करने ट्राई करेंगे, वापस हीट एब्जॉर्ब करेंगे, वापस वर्क डन करेंगे। बट उसके लिए पहले हमको इनिशियल स्टेट पे आना पड़ेगा, एट पॉइंट ए,
राइट। सो बी से लेके सी तक क्या होगा, बी से लेके सी तक वर्क डन बाय द गैस, यहाँ पे हमने हीट एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे उसको वर्क में कन्वर्ट किया। अब सी से लेके डी तक क्या करेंगे, हमने पहले भी देखा है वी कैन नॉट कन्वर्ट हीट कंप्लीटली टू वर्क, ही कैन नॉट बी कन्वर्टेड 100% टू वर्क, यानी थोड़ा बहुत तो हीट रह जाएगा, तो वो हीट हम क्या करेंगे, वी विल इजेक्ट दोज हीट, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको हम डंप कर देंगे कहाँ पे, कोल्ड रिजर्वायर में। सो यहाँ पे हमको कैसे दिखेगा पीवी ग्राफ में, जब हम सी से डी जा रहे हैं व्हेन प्रेशर इज डिक्रीजिंग एट द सेम टाइम जो मेरा एक्सेस हीट था वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रॉम सी टू डी दिस इज माई स्टेप थ्री। सो इस केस में क्या होगा, अभी मेरा पिस्टन तो ऊपर ही है राइट, दिस इज गैस। इन स्टेप थ्री वॉट विल हैपन, यू कैन क्लियरली सी वॉट इज हैपनिंग विद प्रेशर, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, देखो ये उसका उल्टा है, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज सिंस हीट इज डिक्रीजिंग राइट, इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगा राइट, वर्क डन, वर्क डन नहीं होगा, वाई बिकॉज दैट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस अगेन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क होगा ही नहीं, प्लस माइनस का सवाल ही नहीं आता, वर्क डन विल बी जीरो। सो एट दिस पॉइंट एक्सेस हीट रिजेक्ट हो रही है, रिमेंबर ये मेरा टोटल हीट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, वर्क डन होने के बाद जो एक्स्ट्रा हीट बच गया वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली माई क्यू टू, जिसको हमने क्यू टू लिया था राइट। सो एक्सेस हीट यहाँ पे रिजेक्ट होगा। अब इसके बाद हम आएंगे स्टेप थ्री पे, स्टेप टू टू स्टेप थ्री, स्टेप थ्री के बाद आएंगे स्टेप फोर पे। सो हम यहाँ से नीचे गए, स्टेप वन से स्टेप टू, स्टेप टू से स्टेप थ्री एंड स्टेप थ्री टू स्टेप फोर। स्टेप फोर हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा ये साइकिल कंप्लीट करेंगे, यानी हमको वापस से इनिशियल स्टेट पे आना है। इनिशियल स्टेट पे क्या होगा, वापस हम यहाँ से पूरा साइकिल रिपीट करेंगे। सो डी से ए तक आने के लिए हमको वापस इस स्टेट में आना पड़ेगा, इस स्टेट में, यहाँ पे फिलहाल पिस्टन ऊपर है, पिस्टन को नीचे आना पड़ेगा तब जाके यहाँ से वापस वो यहाँ से पूरा साइकिल कंप्लीट कर सके। पिस्टन नीचे कब आएगा, पिस्टन नीचे तब आएगा जब आपका वॉल्यूम होगा डिक्रीज, विच कैन बी क्लियरली सीन इन दिस पीवी कर्व, डी से लेके ए तक। सी अगर मैं इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ डी से लेके ए तक, इसको ऐसे देखते हैं, डी से लेके ए तक वॉल्यूम मेरे को मेरा कैसा डिक्रीज हो रहा है, डी से लेके ए तक, और प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, लेट्स नेम दिस पी वन एंड पी टू राइट। तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर बढ़ रहा है बट मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग वॉल्यूम विल डिक्रीज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क क्या लेंगे, वर्क होगा हमारा नेगेटिव, फर्स्ट बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजिंग एंड सेकेंड रीजन ऑल्सो इस केस में क्या होगा कि मेरा पिस्टन नीचे जाएगा, है ना, पिस्टन नीचे जाएगा तो ये मेरा गैस के लिए वॉल्यूम कम बचेगा, और इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, सराउंडिंग के वजह से ये पिस्टन नीचे जा रहा है, तो वी कैन से सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। सो वॉल्यूम विल डिक्रीज, वर्क डन विल बी नेगेटिव, एंड वॉट विल हैपन टू प्रेशर, प्रेशर इस केस में होगा इंक्रीज, यहाँ पे प्रेशर हो रहा था डिक्रीज। सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से उल्टे प्रोसेस हो रहे हैं, और यहाँ पे और यहाँ पे भी एक दूसरे से उल्टे प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पे होगा हीट एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे होगा हीट रिजेक्शन, दिस इज हीट एब्जॉर्प्शन, दिस इज हीट रिजेक्शन, यहाँ पे वर्क डन, हम गैस सराउंडिंग पे वर्क डन कर रहे हैं इन दिस स्टेप, यहाँ पे सराउंडिंग गैस पे वर्क डन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका वर्क डन होगा पॉजिटिव, यहाँ पे आपका वर्क डन होगा नेगेटिव। ऑल्सो वी कैन कंसिडर दिस ग्राफ एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एंड से वन मोर थिंग दैट ये जो प्रोसेस है हीट एब्जॉर्प्शन वाला जो कि हो रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, और ये जो सी डी है हीट रिजेक्शन वाला ये भी हो रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, वी कैन से दोज आर आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा राइट। एंड सेम थिंग व्हेन वर्क इज डन बाई द गैस और वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी कि आपका डी से लेके सी तक और डी से लेके ए तक, इस प्रोसेस में हमको हीट के बारे में कुछ बोला नहीं, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो ये मेरे दोनों हो गए आइसोकोरिक, ये दोनों। सो सिंपल इज दैट आफ्टर डूइंग दिस फोर स्टेप्स वी विल बी अगेन एट द सेम प्लेस वेयर वी स्टार्टेड, वापस ए पॉइंट पे आ जाएंगे, सिंस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस ये बार 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 रिपीट होते जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूजिंग एन हीट इंजन वी विल कन्वर्ट हीट एनर्जी टू वर्क, एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिमेनिंग जो हम कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और ये साइकिल बार बार रिपीट करते रहेंगे।